वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं दिल में तड़प कुछ कर दिखाने का, वो रातों को क्या दिनों में भी सोया नहीं करते। ये तो कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे तो पागल हो जाएंगे। सोना ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में, बस जितने में आपका काम चल जाए। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें वैश्विक भूगोल भी शामिल होगा। हम देखेंगे कुछ पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले इसको शुरू करने के पहले आप लोग सुन लें कि पर्यावरण के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। पर्यावरण के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, सौरमंडल, भूगोल, इतिहास से संबंधित बहुत कुछ उसमें शामिल होता है। यहाँ पर सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये कतई मत जानिएगा कि पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो भाई ये सब क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल बाहर का नहीं है, ठीक है ना। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? सिरकार तट कहलाता है, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमारे नए मित्र जुड़े हैं, क्वेश्चन दिखाने के बाद उनको लगभग 30 सेकेंड के टाइम मिलेंगे, जिसमें 2-4 सेकेंड ज़्यादा कम हो सकता है। उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे उत्तर, फिर हम आपको सही उत्तर बताएंगे। जैसे मानते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का सी सही है तो आप लिखेंगे 1C, कमेंट में ऐसे करेंगे। अगर बी सही है तो लिखेंगे 1B। अगर क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए सही है तो आप लिखेंगे 1A। ओ सॉरी, माफ़ करिएगा, 1A नहीं भाई, तीसरा है ना, तो आप लिखेंगे 3 और ए। अगर तीसरे का सी सही है तो आप लिखेंगे 3C। इसी तरह का आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट जवाब। आप लोगों के मन में क्या आ रहा है गेस करिए, निसंकोच बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं, हम आपको बताते भी हैं और आप वैसे भी समझदार हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहला सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग आगे बढ़ चलते हैं और आपको बताते हैं कि पहले सवाल का जो राइट जवाब होगा ना बाबू, वो होगा कोरोमंडल तट। क्या होगा? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का समुद्र तट जो है वो कोरोमंडल का तट कहलाता है। और क्यों कहलाता है हम इसको भी आपको बताएंगे। जिनको सुनना है वो सुने, जिनको नहीं सुनना है वो अपने कान में उंगली डाल लें भाई, ठीक है ना। देखिए, तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल का तट कहलाता है और पूर्वीय तटीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। उत्कल तट, देखिए कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं उनको बता दूँ, इसे बोलते हैं उत्कल तट। दूसरा है उत्तरी सरकार या रायल सीमा तट। तीसरा है कोरोमंडल तट। चौथा है पश्चिमी तट, जिसे कोंकण तट या मालाबार तट में बांटा गया है। आगे दूसरा सवाल आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी को दिख रहा है, जल्दी से देखें, बड़ा कर दे, जिनको भाई कम दिखाई पड़ता है देख लें उनको क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जल्दी से बताएं, फटाफट, देर ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तमिलनाडु बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान जी ने आपका रामेश्वरम में, जिसे बोलते हैं तमिलनाडु के, वहाँ पर पुल भी बनाया हुआ था, जो कि कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि अभी भी वहाँ पर उसके कुछ अंश उपस्थित हैं। और आपके तमिलनाडु से ही आपके मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, जहाँ पर तमिलनाडु के तट पर उनके पिताजी मछलियाँ पकड़ा करते थे तो वो अपने पिताजी की सहायता किया करते थे। तो तमिलनाडु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, AP। प्रश्नानुसार आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, इसके बाद महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। कौन? महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बस देखते रहिएगा। सवाल नंबर तीसरा पर आ जाएं, लेकिन सवाल नंबर तीसरा आप लोग देखिएगा, उसके पहले हम आपको बता दें, जिसे लोग बोलते हैं थोड़ा सा प्रचार कर देते हैं, और वो प्रचार क्या करना है कि आप लोग ये नंबर नोट कर लें अगर आप लोग इस PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की क्लास आपको हर दिन मिले तो हर दिन क्लास होती है, 1 से अधिक क्लास होती है पर्यावरण की, लेकिन आपको नहीं दिख पाती होगी क्योंकि यूट्यूब पर सभी क्लासें नहीं होती हैं। आप जानते हैं दुनिया में बहुत कुछ उपस्थित है बाबू, फ्री में भी है, कुछ का चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन जिसकी जैसी क्वालिटी होती है उसका वैसे आगे नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे, है ना।
तो आप लोगों नंबर नोट कर लिए होंगे 97 93 48 84 48, उस पर JOIN ज्वाइन लिख कर भेजेंगे तो आपको सभी क्लास मिल पाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, JOIN ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप करना है या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, आपको क्लास में ज्वाइन किया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी, आपको एक्सेप्ट करना होगा अपनी बीबी का अनुसार या फिर नहीं करना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत कहलाते हैं, सरहादी कहलाते हैं, ढक्कन पठार कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, तीसरा सवाल आपके सामने है, इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब सरहादी, ऐसे ही तो कुछ लिखा है ना भाई। जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सरहादी पर्वत कहलाते हैं। इनका विस्तार समुद्र तट के समानांतर महाराष्ट्र में ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग में 1600 किलोमीटर, कितना 1600 किलोमीटर लंबाई में है। इनका सागरोन्मुख तल, लेकिन आप लोग कुछ गड़बड़ हो रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनको लिख के दिखा देता हूँ। इसे मैं बोल रहा हूँ क्या, सागरोन्मुख, लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, सागरोन्मुख, ये मैं बोल रहा था, ठीक है ना, सागरोन्मुख ढाल बहुत तीव्र एवं पूर्व की ओर मंद है। इसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा जो कि 2630 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। ढक्कन का पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बेसाल्ट निर्मित पठार है जिसमें लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। देखिए भाई हमें ज़्यादा हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसलिए कोई गाली मत दीजिएगा, अगर कोई गड़बड़ होता है तो उसे समझने की कोशिश करिएगा। बस हमारी यही उम्मीद है और यही कोशिश रहती है कि आपकी क्लास थोड़ी सी मज़ेदार हो, जिससे आप लोग ऊबे ना और पूरी क्लास को देखते रहें। जी हाँ बिल्कुल, पूरी क्लास देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चौथा सवाल आपके सामने है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जल्दी से बताएं। महाराष्ट्र, जहां पर आपकी माया नगरी उपस्थित है ना, सबके देवी देवता वहीं पर रहते हैं। अगला चलें, देखिए ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत से लोग फेवरेट होते हैं भाई। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, हमने आपको बहुत टाइम दिया था पर्याप्त, लेकिन कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, उनको शर्म लग रही कमेंट करने में, तो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां से आपके माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात। जी बिल्कुल सही देखा आपने, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत के कुल 9 तटरेखा से लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? 9 राज्य, यानी कि भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां और अंतिम सवाल, आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये अंतिम क्यों हो रहा है, क्योंकि आज है संडे और संडे फंडे होता है, कोई क्लास नहीं होती, लेकिन हमने सोचा आप लोग कहेंगे भाई आज सो रहे हैं क्या, इसलिए मैंने एक क्लास दे दिया आप लोगों को। तो देखिए संडे के दिन बहुत सारे अपडेट होते हैं जो कि आप लोगों को नहीं मालूम चलते होंगे, लेकिन बाद में आपको उसका असर दिखाई पड़ता होगा। जी हाँ बिल्कुल, आपकी प्लेलिस्ट चल चुकी, क्लास का थंबनेल, टाइटल और सीरियल, ये सभी अपडेट होता है जो कि इसी सिस्टम में होता है जिसमें से आपकी क्लास चलती है। तो थोड़ा सा इंसान तो हम भी हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ धुलाई पुछाई हो जाती है संडे दिन, ठीक ना। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है, इसको आप लोग जानते होंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, दक्षिण, ये जो पा लिखा है ना, ये पासे पंडित नहीं है, ये है पश्चिमी भारत में, ठीक ना, ये पश्चिमी है, और दक्षिणी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। इसका राइट आंसर आप लोग समझ के होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। लक्षद्वीप टापू जो है वो अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। कुछ लोग तो यही नहीं समझ पाए होंगे ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इतना बक दिया भाई, मैंने बोला ना जो दक्षिणी पश्चिमी भारत में पड़ेगा, दक्षिणी पश्चिमी भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह की और भी मज़ेदार क्लास को पाते रहने के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, और सभी क्लास को प्राप्त करने के लिए आपको इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजना है,
उसके बाद कुछ थोड़ी सी नियम और शर्तें होंगी जो हमारे द्वारा आपको बताई जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसे एक्सेप्ट करके क्लास ज्वाइन करेंगे। आपको ये सभी पीडीएफ फाइल, इसके अलावा पीडीएफ फाइल के रूप में कंप्लीट कोर्स, पेनड्राइव कोर्स, सीडी कोर्स और भी अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। जैसा आपका ऑर्डर होगा वैसी आपको सुविधाएँ मिलेंगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा एक नई उम्मीद और एक नई क्लास के साथ। चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के साथ और सहयोग से आज आपका पीबीआर स्टडी परिवार 50,000 से अधिक लोगों का हो चुका है, जो कि ये आप लोगों का श्रेय जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके आगे हम लोग चलते हैं तो आपको थोड़ा सा और एड दे देते हैं। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो एक बात याद रख लें कि मैथ आसान है। जी हाँ, मैथ आसान है। अगर आप इसको बोलते जाएंगे तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। लेकिन केवल बोलने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा लाइफ में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते नहीं कर जाते हैं और एक वो जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो जी बिल्कुल, आपको इनमें दोनों में से कुछ भी नहीं होना है, आपको सोचना भी है और करना भी है। तो आप लोग ज़्यादा मत सोचें, मैं ये भी बोलता हूँ। इसके पहले आप मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, थोड़ा वेट करेंगे तो। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, उसमें एक चश्मा लगाए, एक नीला शर्ट पहन के मैं ही खड़ा हूँ, आप लोग मुझे पहचानते होंगे। जी हाँ बिल्कुल। और मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी के साथ आपकी क्लास चलती है जीरो लेवल से, यानी कि एक ऐसी क्लास जहाँ पर आपकी खोई हुई उम्मीदें वापस आती हैं। और आप लोगों के इतने मीठे कमेंट होते हैं कि कितना भी बचा के रखो चींटी लग जाती है भाई। जी बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कमेंट आपके पोस्ट होते हैं कम्युनिटी टैब में। तो इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पीबीआर स्टडी, और अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए, अकेले मत देखिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास, एक नई उम्मीद, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।